सीमेंट वाला साउंड सुनाता वो। तो गाइस चेक्रा पोविस खतरनाक है यार। ओ भाई बाबरी हो रहा है, बाबरी। सुन सकते हो गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड खुलू भाई रेजफर। तो इधर देख सकते हो MT-15। तो इधर थोड़ा धूल है, तो गाइस इसको धुलाया नहीं है। ये मेरे एक फ्रेंड का बाइक है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या धमाका होने वाला है। तो गाइस इधर देख सकते हो एग्जॉस्ट का एग्जॉस्ट। तो आप लोगों को मैं आके जाके दिखाऊंगा। एंड चलो गाइस, आज का जो ये वीडियो है स्टार्ट करते हैं। और गाइस आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। एंड अभी थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं हमारा राइड, लेट्स गो। क्या धमाका भाई, भाई मतलब कि यार इतना ज्यादा लाउड है, मैं कॉप से डरते डरते यहाँ तक गया, मतलब कि पेट्रोल पंप तक गया, पेट्रोल पंप पे फिलअप कर भैया। MT-15 मेरा क्रश है गाइस, क्रश है और मेरा फेवरेट। आप सभी का भी फेवरेट होगा शायद, किस किस का फेवरेट होगा आप लोग कमेंट करके से। अरे कहना क्या चाहते हो, कमेंट करके जरूर से बताना। इतना ज्यादा फारू लुक है ना नेकेड सेगमेंट में इस बाइक का यार, गाइस बोलो मत, मैं तो विदा होगा इसके लुक में। बेसिकली मुझे ये सबसे ज़्यादा माइलेज और पावर के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं आगे जाकर आप लोगों को इसका जो फुल लुक है एग्जॉस्ट पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस ये मेरा ऑफ रोडिंग का मज़ा लेने का जगह है। मैं जब भी इधर आता हूँ ना, मैं इधर ही थोड़ा खड़ा होके जाता हूँ, थोड़ा ऑफ रोडिंग का मज़ा लेता हूँ और पहले की तरह कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं गाइस थोड़ा प्रॉब्लम था, पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह, इसलिए मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया था। एंड आपसे मैं इतना हो सके कंटिन्यू होने की कोशिश करूँगा। और कल वाला वीडियो अपलोड करना बाकी है गाइस, कल नहीं परसों वाला वीडियो था वो, कल को एडिटिंग करके पूरा रेडी करके रखा है, जस्ट थंबनेल बनाना बाकी है। तो आप लोगों को वो वाला वीडियो भी बहुत मज़ा आएगा, शाम तक अपलोड कर दूंगा वो वाला वीडियो। भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, ये तो मेरा साइड है ना भोसरी साला, इधर से क्यों वो निकल के आया भाई। और गाइस फाइनली रोड देखो यार, खतरनाक ओटोरा। आगे जाके आप लोगों को इसका जो फुल लुक है एग्रापोविक के साथ पूरा दिखाऊंगा आप लोग को। सो गाइस ये देख सकते हो MT-15 BS6 मॉडल है, आइस ब्लू कलर में। तो देख सकते हो पूरा लुक इसका, मैं 360 वॉक अराउंड दे देता हूँ आप लोगों को, तो देख लीजिएगा। और इसका जो खतरनाक चीज़ है वो भी दिखाना बाकी है गाइस। एग्जॉस्ट है वो मैं थोड़ी देर में इसका जो आवाज़ है पूरा साउंड सुनाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस ये देख सकते हो MT-15 आप लोगों का बहुत लोगों का क्रश हो सकता है, तो मेरा भी एक पर्सनल फेवरेट बाइक है गाइस। मैं भी MT बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम है मेरा MT लेने में। एंड गाइस अभी इसका आवाज़ सुनाएंगे और ये बाइक कितना चल चुका है देखते हैं। ये चल चुका है 12,224 किलोमीटर चल चुका है गाइस, और देख सकते हो इसका फुल लुक। और मैं आप लोगों को थोड़ा सिनेमेटिक भी दिखाऊंगा पूरा अपने कैमरे से। तो इसका पहले आवाज़ जो है सुना लेते हैं मैं आप लोगों को, तो लेट्स गो गाइस। सही बजरंग बली, तो देख सकते हो पूरा एग्जॉस्ट सा सा भी लग गया है। तो मैं इसका पूरा RPM लिमिट वाला साउंड सुनाता हूँ। तो ज़्यादा नहीं फरेंगे गाइस, पब्लिक रोड है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी इधर गाड़ी भी आ रहा है, तो इसका सिनेमेटिक देखो आप लोग थोड़ा। सो गाइस अभी इसको राइड करने का टाइम है। सिनेमेटिक कैसा कैसा आया है गाइस मुझे इतना आइडिया नहीं हो पाया कि क्योंकि मैंने हेलमेट पे लगा कर ये वीडियो बनाया है ना, इसलिए। तो नाउ टाइम टू रूल ऑन गाइस, सुन सकते हो गाइस कैसा खतरनाक आवाज़ है। और इधर गाइस थोड़ा शो चल रहा है क्योंकि आई थिंक इधर कवर वीडियो का शो चल रहा है, तो लेट्स गो गाइस।
आगे नहीं जा सकता क्योंकि बाबलिंग हो रहा है, क्योंकि आगे से विंड ब्लास्ट हुए आ रहा है, इसलिए मैं इसको इतना टॉप स्पीड पे ले नहीं जा पाऊंगा। एंड अलग यार गाइस, आप लोग आवाज सुनो यार, एग्जॉस्ट देखो गाइस, आप लोग एग्जॉस्ट देखो, एकरा पोबी का पूरा फुल सिस्टम है गाइस। मतलब गाइस 155 सीसी में यार नेकेड बाइक सेगमेंट में खतरनाक है भाई, खतरनाक है भाई यार, क्या बोलो यार, मतलब कि बोलने के लिए कुछ भी नहीं यार, पावर देख सकते हो कितना खतरनाक है गाइस। तो ये गाइस ये गुरेश्वर वाला रोड है, और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि बहुत पावर के साथ बहुत बड़ा मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाता है, इसीलिए मतलब कि संभल के चलाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं भी संभल कर ही चला रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा फासनबाजी हो गया है गाइस, तो ये पूरा खाली 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 रहता है ज़्यादातर। खतरनाक बाबलिंग हो रहा है शायद, इसका जो आगे का वो हवा वगैरह है वो अच्छे से चेक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक से बाबलिंग हो रहा है ऐसे 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 करके, तो मैं इसका टॉप स्पीड जो है टच नहीं कर पाऊंगा भाई। एंड गाइस अभी मैं अपने दोस्त को कॉल कर लेता हूँ, पहले वो आया कि नहीं, शायद मुझे उसको ज़रूरत है कि मुझे फ्लाई बाय लेना है गाइस, फ्लाई बाय लेने के लिए मुझे ज़रूरत है, तो मैं अपने दोस्त को कॉल कर लेता हूँ। अरे यार भाई कॉल भी उठा लिया करो थोड़ा। नहीं भाई चलो, वो कॉल करेगा कि नहीं देखता हूँ। तो गाइस इधर देख सकते हो अपने भाई लोग मिल गए यार, तो इधर LMK और इधर विश्व और उधर अंजन देख सकते हो, और मतलब कि फ्लाई बाय लेना चाहिए, मतलब कि सॉरी मतलब कि फ्लाई बाय लेने के लिए मैंने इनको बुलाया है, तो अब ये कैमरा पकड़ेगा। ओ भाई इतना गर्मी है, माला है टेम्पर मुन भाई लावा गिन बा रो गाइस, अभी मतलब के भाई लोग मिल गए हैं, इधर देख सकते हो LMK और विश्व और अंजन, और ये लोग तो कटे जहर वाला सर मारा है, और मैं अभी दे रहा हूँ इसको फ्लाई बाय लेकर, अभी मैं इधर से आऊँगा, तो लेट्स गो गाइस। नाम भी दे फाइनली हो चुका है फ्लाई बाय गाइस, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे तो अभी कुछ भी आइडिया नहीं गाइस, मैं अभी इसको प्लेबैक करने में पता चलेगा। भाई इतना ज़्यादा गर्मी है आज का मौसम, क्या बोलूँ। तो गाइस फाइनली अब ये लोग भाई लोग जा रहे हैं, तो मतलब कि बहुत मतलब फर्स्ट टाइम है ना, इसीलिए थोड़ा शर्मा रही है, देख सकते हो ये जिनू ये अंजिमा है, बहुत बढ़िया मुन्ना, ये अंजिमा है भाई ने अच्छी बात कही है। तो मथांग बड़े बाय बाय, हाँ टाटा बाय बाय, डालगा मुंगन थोड़ी देर में मिलेंगे। तो गाइस इधर देख सकते हो 20 अभी ये भाई लोग जाने वाला है, और क्या ही कहने, वो अंजन भाई का NS है और हमारे का तो दियो है, तो अभी मैं फिर से डीडी के घर जाकर थोड़ा चाय पी के घर को निकल देता हूँ, ठीक है, तो मिलते हैं डीडी के घर में। One eternity later. So guys, finally जो है अभी डीडी के घर में आ गया हूँ मैं, और डीडी घर में नहीं है, मैं भी साडनली इधर आ गया, क्योंकि अभी डीडी है ना मेहमान के घर गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ गाइस दुर्गा पूजा देखने गए हैं दीदी, तो इधर दादी अकेले है, अभी चाय बना रहे हैं दादी जी,
यहाँ देख सकते हो इधर सेटअप और इधर एक्वा का फिल्टर लगाया हुआ है। तो गाइस अभी निकल देते हैं, तो गाइस अभी निकल देते हैं फाइनली। अभी वर्किंग भाई को भी गाड़ी सौंपना है। हो हाँ, आवाज़ तो कितना ज़रा खतरनाक है भाई, क्या बोलूँ भाई। ओहो, और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जो इसके साथ ना लॉन्ग राइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पर्सनली मेरे को होगा, किसी और को होगा कि नहीं पता नहीं है, बट इरिटेट हो जाऊँगा मैं इतना ज़्यादा, मतलब कि कान में आता है ना जब हेलमेट पहनते हैं। हो भाई भोकाल सा आवाज़ है। एंड V3 और MT-15 में तो खतरनाक, और इसका तो DV किलर है गाइस, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, DV किलर जो निकाला हुआ है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है यार, कुछ ना कुछ सूट ही जाता है। अच्छा मिल रहा होगा, पिछली बार थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा हो गया था, थोड़ा एडजस्ट करके लेके आया हूँ मैं। तो यहाँ पर भाई लोग मिल गए, तो हाई कर दो भाई लोग, ये हाई करते हुए अभी चलते हैं। अल्टीमेट गाइस, खतरनाक भाई साहब, अल्टीमेट गाइस। तो गाइस सुनो, सुन सकते हो गाइस, आज का जो वीडियो है हिमा के सामने जाके ख़त्म करेंगे, और मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि विंड नॉइस बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आते हैं यार। ओ भाई साहब बैक फायर यार, आप लोगों को सुनाई दिया क्या? अभी यहाँ पर ही वीडियो एंड करते हैं गाइस, तो पूरा इधर फ्रंट पे लेंगे, देख सकते हो पूरा हिडिंबा बाटू टेंपल के सामने कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये वाइट बीस, वाइट बीस मतलब कि ये आइस फ्लो बीस है, देख सकते हो। तो अभी इसका जो वीडियो है ये पर एंड करते हैं, टोटल देन टेक केयर बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आके जाके इसका जो लिमिटर साउंड है वो लास्ट में एक बार आपको सुना के मैं निकल देता हूँ और वीडियो को एंड करते हैं। चलो गाइस लेट्स गो, चलो सुनाते हैं आप लोगों को इसका आवाज़। तो गाइस यही तक था आज का वीडियो।